काम कीजिए ना, एक हम एक्सेल का शीट खोलते हैं, ठीक है। आपको एक काम करना है, ये एक असाइनमेंट है और हमको बताना है कि वो होगा कैसे, क्योंकि आप लोग के पास तो सिस्टम है नहीं और हम बहुत कुछ बता चुके हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोग बताएं और देखते हैं आप लोग कितना याद है। ठीक है, मैम मोबाइल में हम लोग को एक्सेल चलाने ये सब सिखाई। अच्छा मोबाइल में एक्सेल, लेकिन एक चीज बताइए, मोबाइल में हम सिखाएं तो कैसे सिखाएं? मेरे हाथ में खुद हम आपसे मोबाइल से जुड़े रहते हैं, सामने कंप्यूटर रहता है, कैसे उसको सिखाएं? चलिए देखते हैं, कोशिश करेंगे। ये बात अच्छा बोले आप, मोबाइल पता, एक चीज पता है, मोबाइल में भी प्रेजेंटेशन वगैरह बनता है। हाँ मैम मतलब नहीं 100% 50-20 हाँ, तो फिफ्टी जरूर परसेंट होगा। हो जाएगा। नहीं, एक्सेल में बहुत काम होता है कि हम लोग खुद किए हैं, कंप्यूटर नहीं। पिछले साल लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत कुछ, मतलब नया नया अचीवमेंट सीखा, बहुत कुछ मोबाइल पे करने के लिए। ठीक है, इसको देखते हैं, ये आप नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि मोबाइल में आपको हम एक्सेल और पीपीटी, ये दो चीज कैसे बनता बताएंगे। आप लोग सबको वो आपके WPS वर्ड होगा ना सबके पास? मैम हाँ, WPS वर्ड हो। होगा यस हाँ, मैम होगा। और एक ये डाउनलोड कर लीजिएगा, शीट्स, शीट्स भी बहुत लोग के पास होगा एक्सेल के लिए। वर्ड तो है, डॉक होगा, फिर शीट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, एक असाइनमेंट आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, हम बताते हैं और उसको आप लोग को बताइए उसको करना कैसे है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कुछ फॉर्मूलाज आप लोग को अलग अलग करके दे दे, मैथमेटिकल फॉर्मूला और क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर फॉर्मूला, क्योंकि हाँ इसके बाद, मैम ये सब देना हाँ, ये पड़ेगा। अलग अलग एक नोट्स टाइप का दे देंगे ना, तो आप लोग के पास हमेशा के लिए सेव रहेगा, और क्योंकि ऐसे मेरे बोलने से तो याद बहुत रहने वाला है, आप लोग कितना याद रहेगा। कुछ नहीं मैम नथिंग। हाँ, वो हम भी समझ रहे हैं। और पीपीटी, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा चाहते हैं कि पीपीटी बताएं और वर्ड वगैरह का भी सोचते हैं कि नोट्स दे दें, क्योंकि आप लोग को सेव तो रहेगा, कम से कम कभी पलट के देखना चाहें देख तो सकते हैं, तो इसीलिए, क्योंकि कंपलसरी नहीं होने के कारण हम भी नोट्स वगैरह नहीं भेजते, लेकिन हमको लगता है कि शायद आप लोग को जरूरी है। चलिए, एक जैसे मान लिया एक्सेल का वर्कशीट खुला है, ठीक है, आप लोग को हम बताए थे, एक मिनट हम खोल ही देते हैं। जैसे मान लिया ये मेरा ये वर्कशीट खुला हुआ है, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होगा मेरा स्क्रीन। हाँ, सबको दिखाई दे रहा होगा, तो ये वर्कशीट खुला है। अब इसमें बताइए कि अगर यहाँ पर हमने कुछ टाइप किया, यहाँ पे मान लिया स्टूडेंट्स नेम है, स्टूडेंट्स नेम है, उसके बाद आईडी मान लिया, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, असाइनमेंट, असाइनमेंट ये है मान लिया। अब ये बताइए, हमको लगता है कि बीच में हम एक कोई वर्ड, बीच में कोई वर्ड, ये सॉरी कॉलम हमको इंसर्ट करना हो, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, ये बताइए, असाइनमेंट है ये। चीज बताइए कि अगर बी के बाद हमको कोई कॉलम इंसर्ट करना हो तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, बताइए, जो कौन बता सकता है, मैम कोई भी, शायद उस जगह कोई भी पे फ्री है राइट बताने क्लिक, के लिए? करके बी कहाँ पर राइट क्लिक करेंगे? और सी के बीच में जो का जो लाइन है उस पे। बी और सी के बीच में, हाँ, जो लाइन है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमने क्लिक किया, यस मैम यहाँ हमने क्लिक राइट किया, क्लिक। हाँ, उसके बाद राइट क्लिक, राइट और लेफ्ट भी तो ठीक से पता नहीं है। क्यों राइट लेफ्ट पता नहीं है? देखिए, आपका जो माउस है ना, यस मैम हाँ, आपका आपका माउस है, आपको राइट लेफ्ट पता नहीं, रुकिए एक मिनट, चलिए आज हम राइट लेफ्ट के बारे में ही बात करते हैं। आपका जो कोई भी, आपका जो माउस है, आप ये, आप लोग मोबाइल रखते हैं ना, तो फिर थोड़ा मोबाइल में भी सर्च किया कीजिए, अधिकतर चीज मोबाइल में भी मिल जाएगा कि क्या बोल रहे, लाइट राइट और लेफ्ट के बीच में पता नहीं है, तो
ये आपका माउस है, इसमें राइट बटन कौन सा, ये लेफ्ट बटन कौन सा होगा और राइट बटन कौन सा होगा बताइए। ये जहां पे पॉइंटर दिख रहा है स्क्रीन, यस मैम, हाँ बताइए ये जहां, वैसा लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट हाँ लेफ्ट हाँ ये क्लिक, लेफ्ट बटन है और ये राइट बटन है और ये स्क्रॉल बटन है यही यस ना। मैम, हाँ तो यस मैम, ठीक है, और आपका हम पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी काम होते हैं सारे काम सारा काम राइट सॉरी लेफ्ट बटन पे होता है। कुछ स्पेशल फंक्शंस, कुछ स्पेशल चीजें ही जो हैं वो लेफ्ट बटन को दी हुई है, कोई अलग टाइप का फंक्शंस वगैरह करना हो, क्लिक करना राइट हो हम बटन, लेफ्ट दबाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको इंसर्ट करना है तो अगर बी के बाद इंसर्ट करना है तो हम बी के पास ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे, अपने आप देखिए इंसर्ट आ रहा है, इसका यस मतलब मैम, यही हो गया, और डिलीट आ रहा है, दो चीज यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट करेंगे, जैसे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या रूल है कि इसके कहाँ पे इंसर्ट हुआ, हमने बी के पास क्लिक किया था तो बी के पहले पहले इंसर्ट हुआ, होगा, अगर हमको उसके जैसे हमको मान लिया सी के मतलब डी के पहले करना है, अगर हमको डी के पहले करना होगा तो हमको डी क्लिक क्लिक करके इंसर्ट करना पड़ेगा, यस ठीक है मैम, ना, डी पे क्लिक करके इंसर्ट करना पड़ेगा, और अगर हम और हमको अगर अगर जैसे सी के अगर बाद इंसर्ट करना है तो हमको सी पे रख के इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट तो करना होगा, जिस पे भी रख के इंसर्ट करेंगे उसके वो पहले इंसर्ट होगा इंसर्ट करने के लिए, ठीक है क्लियर है। उसी तरह डिलीट के लिए, और डिलीट करना तो खैर आसान है, जिसको भी डिलीट करना है उस पर ऐसे सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, राइट करने के बाद वहीं पे आएगा डिलीट डिलीट, कीजिए। तो ये डिलीट होगा, पहला सवाल तो ये था। उसके बाद अब बात करते हैं कि जैसे मान लिया कि यहाँ पे मेरा डेटा भरा हुआ है कुछ भी, मान लिया स्टूडेंट नेम चलिए यही लिखते हैं, और आईडी 1001, असाइनमेंट का नंबर है 45, एक और असाइनमेंट है, हमको परसेंटेज निकालना हो क्या करेंगे बताइए, परसेंटेज निकालना हो तो बताइए क्या करेंगे, इस तरह से किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है हमको परसेंटेज निकालना हो, वो भी परसेंटेज निकालना है हमको इस कॉलम पे, तो हम क्या करेंगे बताइए, मैम किसका निकालना है, सिर्फ सीओडी का ना? अच्छा बताइए यहाँ पे किसका परसेंटेज निकलेगा बताइए, यहाँ पे क्या क्या कॉलम है, क्या क्या कॉलम है, स्टूडेंट आईडी है और असाइनमेंट, और असाइनमेंट है, हाँ तो ये असाइनमेंट का मार्क्स दिया हुआ है, यस मैम, अगर आपको बोल दे परसेंटेज निकालने हैं तो परसेंटेज किस पे निकलेगा, नंबर पे ही निकलेगा ना, ये तो यस आईडी मैम, है स्टूडेंट का आईडी, इस पे हम लोग निकालेंगे नहीं, जब निकालेंगे असाइनमेंट वाले पे ये निकालेंगे परसेंटेज, बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे, फुल मार्क्स मैम, फुल मार्क्स लिखेंगे, हाँ चलिए बताइए क्या लिखेंगे परसेंटेज के लिए, मार्क्स ऑब्टेंड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, मार्क्स ऑब्टेन बाय जितना मार्क्स टोटल मिला है और टोटल मार्क्स उसके बाद 100, तो यस आपको मैम, असाइनमेंट वन और असाइनमेंट टू का मार्क्स निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ क्या होना चाहिए या फिर कैसे लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे यहाँ एक्सेल की भाषा में बताइए, आपको स्क्रीन दिख रहा है इज इक्वल और लोग टू, भी अलग है, हाँ बताइए, निकालना है सी और डी का या दोनों को साथ में, नहीं अलग अलग क्यों निकाला, हमको ये निकालना है कितना परसेंट मार्क्स आया ये मान के चलिए, हमको ये निकालना है कि असाइनमेंट वन का नंबर दिया हुआ है, असाइनमेंट टू का नंबर दिया हुआ है, उसको टोटल कितना परसेंट मार्क्स आया ये बताइए क्या करेंगे, इज इक्वल टू सी टू, मतलब सम सी टू बाय डी टू, सी टू प्लस डी टू, इक्वल टू सी टू प्लस डी टू क्यों करेंगे, मैम तो मतलब ऑब्टेन मार्क्स तो पहले सम करना पड़ेगा ना, चलिए कब आप बोलते हैं तो हम कर देते हैं, एक मिनट, सी टू प्लस डी टू, डी टू, डिवाइड अब मतलब डिवाइड टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स हम लोग का जो टोटल हाँ मार्क्स डिवाइड टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स टोटल हम लोग में मान लेते हैं 200 हाँ 200, 200 इज मान लेते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि 56 है, यस तो हाँ तो डिवाइड टोटल मार्क्स, चलिए इनटू क्या 100, इनटू 100, 100 अच्छा एक चीज बताइए आप लोग
पढ़े हैं, बॉडमास रूल बोलते हैं, मतलब कि पहले किसका काम होता है और फिर किसका काम होता है, पढ़े हैं नहीं? ये मतलब पहले प्लस का काम होता है या पहले पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर डिवाइड का काम होता है, पढ़े हैं ना ये चीज? डी ओ डी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फिर हाँ डिवाइड, हाँ बॉडमास रूल बोलते हैं उसको। यस मैम। हाँ तो यहाँ पे जो हम लोग किए, यहाँ पे किए ना, तो क्या करेगा, पहले डी टू से, पहले डी टू को डिवाइड कर देगा 200 से, उसके बाद जो आएगा फिर इंटू उसको कर देगा, फिर मल्टीप्लाई जो आएगा करना, उसको प्लस करेगा, तो यहाँ तो आंसर चेंज हो जाएगा ना। तो इसको अगर हम लोग क्या कर दें, अगर इसको हम लोग ब्रैकेट डाल दें, इसको हम लोग अगर ब्रैकेट डाल दें, तो पहले ब्रैकेट का काम होगा यस मैम, ऐड और उसके होगा। बाद, हाँ उसके बाद डिवाइड होगा, उसके बाद इंटू होगा, ठीक है। उसको 50.5% मार्क्स फाइव आया। परसेंट तो मैम ये प्लस, क्या चीज बोलिए, परसेंटेज का साइन कहाँ आ रहा है? परसेंटेज का साइन आ नहीं रहा है, परसेंटेज का साइन हमको लगाना पड़ेगा, कहाँ से लगाएंगे परसेंटेज का साइन, कहाँ से? और यस मैम, ये हो गया है परसेंटेज का साइन, इसको लगाना है, लेकिन यहाँ पे ये वो ले रहा है। चलिए इसको देखते हैं क्या करना। चलिए एक चीज इसमें और बताइए, ये हमने असाइनमेंट खोला था, हमने यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर लिया, ये मेरा एक ये शीट है, इसमें हमने कॉलम इंसर्ट किया, उसके बाद हम लोग क्या किए, परसेंटेज निकाले, ठीक है। परसेंटेज निकालने के बाद अब हम लोग को इसमें एक काम और करना है कि इसमें आपको एक मैम काम, हाँ बोलिए। जैसे वो कॉलम दिखाइए जो बनाया आप, हम जो बनाए हैं ना ये यस मैम। लीजिए। हाँ मैम जैसे इस पे कॉलम बोलिए बोलिए बोलिए। बोले, जैसे अभी इसके आधार पे परसेंटेज कैलकुलेट किए ना, हाँ बाद में हमको अगर सभी चीज मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मेरा एक रो छूट गया, फिर उसको हम बीच में इंसर्ट करके कॉलम को फिर उस पर हाँ डाटा ठीक है ठीक है। चलिए आप लगने। जो बोले हमको समझ में आ गया, रुकिए एक मिनट रुकिए एक मिनट, हम कर ही देते हैं। आपने जो बोला समझ में आ गया कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लिया ऐसा है, हमने यस कर मैम, लिया परसेंटेज कैलकुलेट, यही ना, यस आप मैम, आपका डेटा कंप्लीट हो गया, बीच में लग रहा है कि किसी का नाम छूट गया, यही ना, किसी को इंसर्ट करना है बीच में, क्या बोलना चाह रहे धनी, यही बना, जा रही है आवाज मेरी। अगर यस बीच मैम। में, हाँ बीच में किसी का छूट गया है, तो बीच में किसी का छूट गया, इसके लिए हम क्या करेंगे, रो इंसर्ट करेंगे, जहां पे भी छूटा है वहां पे ऐसे क्लिक करेंगे, जैसे हम लोग कॉलम क्लिक क्लिक करते थे, वैसे यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे रो के लिए, और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे, जैसे ये सेलेक्ट हुआ ना पूरा, तो ये समझ जाएगा कि यहाँ पे आप यहाँ पे रो इंसर्ट करने बोल रहे हैं, तो यहाँ हमने क्लिक किया, यहाँ हमने इंसर्ट किया, ये जहां भी हम लोग क्लिक करेंगे उसके जस्ट ऊपर रो इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप किसी का भी नाम डाल दीजिए, जैसे हम यहाँ पर ओम प्रकाश का नाम डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पे किसी का भी नंबर दे दीजिए, जैसे जो भी उसका नंबर होगा, इसका नंबर हम दे देते हैं 3676, ठीक है। ये देखिए, मैम ये नहीं बोल रहा, मतलब हाँ कॉलम में, जैसे कॉलम में पांच, चार पांच सब्जेक्ट है, चार सब्जेक्ट का लिखा और एक सब्जेक्ट का भूल गया, फिर बाद में एक सब्जेक्ट का अच्छा सबका पूरा लिखा। अच्छा एक सब्जेक्ट का और रिंट किया, तो फिर आपको तब क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको ये चेंज करना पड़ेगा टोटल मार्क्स, फॉर्मूला में, यस मैम, हाँ टोटल फॉर्मूला चेंज कर, मार्क्स। जैसे मान, चलिए जैसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, एक इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट किया यहाँ असाइनमेंट और डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नंबर डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने 200 किया था ना, तो हमको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, हमको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसलिए क्या होता है जनरली, अगर रिजल्ट बनता है, अगर रिजल्ट बनता है तो हम आपको दिखाए होंगे कि पहले हम लोग टोटल का सब वो निकालते हैं, पहले टोटल निकालते हैं, मतलब टोटल मार्क्स,
पहले टोटल मार्क्स निकालते हैं, ध्यान होगा इस चीज का। हम लोग जब रिजल्ट बनाए थे तो पहले टोटल मार्क्स निकाले थे। अगर आपको एक साथ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप लोग फिर हमको फॉर्मूला ही चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और इंसर्ट कर दीजिए, इंसर्ट नहीं कीजिए, यहाँ ऐड कीजिए, यहाँ पे ऐड कीजिए, C2+D2+E2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हाँ, और है यहाँ पे 200 के बदले में 300 हो तीन जाएगा। सौ एक चीज आपको याद होगा, पता नहीं आप लोग भूल गए शायद, और इंटर मार दीजिए, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला चेंज होने के बाद यहाँ पर आपको हम बताए हैं, ये पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसको आप यहाँ रख के ऐसा प्लस का साइन बनेगा। जैसे आप माउस के कर्सर को इस पॉइंट पे ले जाएंगे, ऐसा प्लस का साइन बनेगा। इसको क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक, नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, तो ये क्या होगा कि सबका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप नंबर भरिए और ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम नंबर से 67 भर के जैसे इंटर मारेंगे, ये देखिए ये चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे 56 भर के, अपने आप चेंज हो जाएगा परसेंटेज। बस हमको एक बार ड्रैग करके रख देना है। और एक चीज और यस याद मैम, होगा, जब हम हाँ एक चीज हम आपको बताए थे, पता नहीं आप लोग भूल गए शायद, कि जब भी परसेंटेज निकालते हैं, अगर मेरे पास तीन सब्जेक्ट या चार सब्जेक्ट कोई भी है, अगर सब सब्जेक्ट 100 का है, तो फिर आप लोग को एवरेज या परसेंटेज एक ही चीज हुआ, तो फिर हमको इतना लिखने का जरूरत ही नहीं था। हम सीधा क्या करते पता है, मेरे पास तीन सब्जेक्ट है, हमको पता है कि तीनों 300 का है, तो हम इनको क्या, आप लोग को मालूम है ना, जब ये डिवाइड वगैरह होगा तो ये 0 0 कट जाएगा। आप इसको बस 3 से डिवाइड कर दीजिए, ओनली 3 से, तो भी वही आएगा, क्योंकि आपका तीनों सब्जेक्ट 300, मतलब कि 100 100 का है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपका ऑप्टेन मार्क्स अगर माले अलग अलग रहता, मतलब 50 50 का पेपर रहता, तब यहाँ पे दिक्कत हो सकती थी। यस हाँ, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ उतना लंबा ना लिख के सिर्फ डिवाइड बाय 3 कर दें, अगर 4 सब्जेक्ट है तो 4 कर दें। मैम, तो ये चीज क्लियर समझ में आया होगा, परसेंटेज या सम, सम करने के लिए। हाँ बोलिए। और कोई सब्जेक्ट का फुल मार्क्स 50 है, किसी का 100 है, तो इसके क्या चीज, किसी का 100 है फुल मार्क्स? और किसी में 50 है। हाँ, तब आपको लिखना पड़ेगा ऑप्टेन मार्क्स, तब आपको ऑप्टेन मार्क्स, मतलब ऑप्टेन मार्क्स नहीं, सॉरी, आपको तब लिखना पड़ेगा कि टोटल मार्क्स कितना है। जैसे मेरा 450 का पेपर है, तब आपको लिखना पड़ेगा कि मेरा 450 का टोटल, मतलब डिवाइडेड बाई 450 करके। और आपका, लेकिन जब आपका ऐसे पेपर है, 100 100 का पेपर है, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है। एवरेज मतलब कि मैम जब हम लोग एवरेज निकालते हैं, आप लोगों को भी पता है कि 100 में निकालते हैं, कहीं पर भी परसेंटेज निकला निकलता है या एवरेज निकलता है, तो जितना टोटल आइटम्स है डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है। समझ में आया? भूल गए हैं, पता है आप लोग भूल चुके हैं ये चीज, इस पे काफी डिस्कस हुआ था, हम लोग काफी लंबा इस पे चले थे। याद है, याद है हाँ मैम। हाँ ये छोटी छोटी, ये तो मतलब नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल चीजें हैं। एक चीज पता है बड़ा अच्छा है, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है ना एक्सेल में, ट्रिम करके आता है, TRIM, कोई बताएगा इसका क्या मतलब यूज है? ट्रिम का, ट्रिम का क्या यूज है, कोई बताइए, ट्रिम का क्या यूज है, कोई बताइए। अच्छा, ट्रिम का क्या मतलब होता है? ट्रिम का मतलब तो बता दीजिए, शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। कटना मैम, कटना हाँ, एक होता काटना, गुड, है। उसका मतलब होता है काटना। जैसे कभी कभी क्या होता है, अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे जितने लोग हैं, मतलब इनमें से कोई भी ऐसा है जिसको एक्सेल आ रहा आता होगा, माने आता है, जो लोग काम करते हैं उस पे, बताइए, मतलब आप लोग काम करते हैं, बताइए, कोई भी नहीं, बताइए, रुद्र? काम करते होंगे ना आप लोग? सभी स्टेट को नॉर्मल करने के लिए नहीं, देखिए क्या होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, आप लोग डेटा एंट्री भी नहीं किया, या कभी कोई डेटा एंट्री किया होगा, तो जैसे कि एक दिन हम बताए थे, पता नहीं कितना याद है, सभी लोग थे जितने अभी दिख रहे हैं हमको, लगता है एक दो जन को छोड़ के लगभग सभी थे, कि हम बताए थे कि जैसे कभी कभी हम लोगों के सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आती है ना कि जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग को डेटा भेजना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर मतलब एडमिशन के समय में, तो क्या होता है कि हम लोग जैसे डेटा आया, हम लोग इंटर करके रख दिए, या फिर इतने इतने स्टूडेंट्स से होता है कि कभी कोई इंटर किया, कभी कोई इंटर किया, तो लोग क्या करते हैं कि कभी कोई कैपिटल में भर दिया, कभी कोई स्मॉल में भर दिया, कभी क्या होता है, जैसे ये नाम डाला हुआ है, ये नाम डाला हुआ है, यहाँ पे कोई लिखने के हड़बड़ी में यहाँ पर
स्पेस डाल दिया, मतलब इस तरह से मतलब इस तरह से कुछ ऐसे ऐसे करके एंट्री हो जाती है, मतलब जिसको बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज नहीं है। तो हम बताए कि आपको याद होगा, एक फॉर्मूला होता है अपर। अपर क्या करता है, आइडिया है अपर क्या करता है? अपर मैम शायद सभी सेंटेंस को एक साथ मतलब एक जैसा बनाता है। हाँ, अपर जो है, अपर फॉर्मूला, जैसे मान लिया कि आपका इस कॉलम में अगर हम लोग को इंस्ट्रक्शन आ जाए कि आपको जो स्टूडेंट्स का नाम है वो आपको भरना है अपर केस में, और हम लोगों ने एंट्री किया है एक जिसको जैसे कैपिटल बाकी सब स्मॉल। नहीं, अगर एक कैपिटल बाकी सब स्मॉल तो वो हो जाता है सेंटेंस केस। यस मैम तीन सेंटेंस। केस होता है, बताए थे अपर, लोअर और सेंटेंस केस। तो उसमें अगर इंस्ट्रक्शन है कि सारे को कैपिटल भरना है तो क्या करेंगे उसके लिए? हम लोग अपर फॉर्मूला लगाएंगे, अपर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या करेगा, ये सारे को कैपिटल करेगा। जैसे यस मैम उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखते हैं, किसी को याद है बताइए तो। इज इक्वल टू अपर हाँ और मतलब रो कॉलम में हाँ तीन चीज जैसे होता है हम एक्सेल फोर में। देखिए एक्सेल में तीन A1 होता है, हम टू। बताए भी थे, अपर, यस मैम लोअर और प्रॉपर। प्रॉपर प्रॉपर होता है सेंटेंस केस में। सेंटेंस। यस मैम हाँ, प्रॉपर का मतलब हो गया कि सेंटेंस केस में लिखना है। सेंटेंस केस का मतलब हो गया कि फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, यस मैम ठीक है। और अपर का मतलब होता है कि टोटल कैपिटल, और लोअर का मतलब होता है कि टोटल लोअर। अगर टोटल जैसे ये मेरा डेटा एंट्री है, ये मान लिया ये डेटा एंट्री है, हाँ ये मेरा लोअर में डेटा एंट्री है, अगर हमको इंस्ट्रक्शन आ जाए कि सारे को कैपिटल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अपर इक्वल टू अपर, और A1 से लेकर A15 हाँ तक। A1, नहीं A1 नहीं, पहला लेंगे ना, सिर्फ A2, A2 यस लेंगे। मैम हाँ, ये हमने ले लिया। अब देखिए ये सारा क्या हो गया, अपर में हो गया। इसी तरह अगर हम लोग इसको लोअर में करें, इक्वल टू लोअर, और इसको हम लोग कर दें A2, तो ये क्या होगा, ये सभी देखिए स्मॉल। ये तो सॉरी ये तो पूरा लोअर में था ही, अब इसको हम लोग प्रॉपर में करते हैं। इक्वल टू प्रॉपर, प्रॉपर P R O P E R, प्रॉपर, और A2। यस देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, समझ में आया मैम तीनों? ये है यस मैम अपर, ये है लोअर, ये है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब कि सेंटेंस के पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। ये होता है, प्रॉब्लम आती है, मान लिया हम लोगों ने 100 डाटा एंट्री कर दिया, 100 डाटा एंट्री करने के बाद और हमको लगता है कि बाप रे इतने को फिर लिखना पड़ेगा, तो जब हमने ये एंट्री कर दिया कुछ नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला डालेंगे। सेंटेंस केस में लिखने आया है, हमने फॉर्मूला डाला और बस इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे, ये ड्रैग कर देंगे, ये देखिए हो गया ना। देखिए ओम प्रकाश में भी ये सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे यस एक मैम प्रॉब्लम और है, एक फॉर्मूला और आता है, एक फॉर्मूला होता है ट्रिम, TRIM, ट्रिम। इसका काम क्या है, कभी कभी क्या है, जैसे हम आपको भी बताए क्या होता है कि आप लोग एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करते करते कोई स्पेस ज्यादा डाल दिया, ये देखने में भी सही नहीं यस लग रहा, मैम और हम लोग कितना सुधारे, एकदम आंख को गड़ा गड़ा के देखेंगे कि कहाँ स्पेस ज्यादा है, कहाँ कम है, आगे कम है, आगे ज्यादा कर, कोई स्पेस ज्यादा डाल दिया है, कोई कर दिया। तो इसके लिए ट्रिम फॉर्मूला है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे मान लिया यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, हम इक्वल टू TRIM, ट्रिम। ट्रिम करने के बाद आपको नाम वाले को ही सुधारना है, A2। ये देखिए स्पेस हट गया, धनी के नाम में ज्यादा स्पेस था, यहाँ पे भी हम लोग मान लिया स्पेस डाल देते हैं। यहाँ हमने क्या लिखा, इक्वल टू ट्रिम A2, तो ये देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस था ये दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा स्पेस, यस हाँ ये स्पेस हट गया। इसी तरह हम लोग पूरे को ड्रैग कर देंगे तो जहां भी एक्स्ट्रा स्पेस दिखेगा वो हट जाएगा। देखिए यहाँ पे रुद्र के नाम में भी हमने स्पेस डाला था, ये हट जाएगा, तो इस तरह से ये प्रॉपर वे में दिखाई देगा। यस अब मैम इसको एक चीज और बताइए, यहाँ पे तो दो जगह नाम हो गए, अब बताइए कैसे करेंगे इसको, नाम तो एक ही जगह होना चाहिए ना, एक शीट में हमने चेंज तो कर दिया लेकिन ये दो जगह हो गया, कैसे चेंज होगा? क्या मैम दो जगह हो गया।
मतलब कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, ठीक है, और जब वहां हम पे कर्सर रख के इंस्ट्रक्शन, ड्रैग करेंगे, ए बी के बीच नहीं में जो लाइन है वहां पे, वहां पे कहाँ पे, कर्सर रख कहाँ पे, कहाँ पे, के, ए बी का बीच पे जो लाइन है ना उस पे बोला हाँ यहाँ पर के क्या करेंगे, कोना में जब प्लस का साइन आएगा तो हाँ ड्रैग करेंगे वहां से। हाँ यहाँ पर ड्रैग करेंगे, मैम वहां से सब इससे क्या फायदा होगा, एक ही मतलब ही पे आ जाएगा। नहीं आएगा। आपने देखिए, हम मान, ये मेरा डेटा एंट्री हो चुका है, यस हमने मैम, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डाल दिया, आईडी डाल दिया, उसका नंबर डाल दिया या जो भी था, पर्सनल डिटेल्स डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, और इंस्ट्रक्शन आ गया कि आपको जो करना है वो सारा प्रॉपर सेंटेंस केस में होना चाहिए। तो हम क्या किए कि एक अलग कॉलम में, ठीक है, हम एक अलग कॉलम में एक सेंटेंस केस में फॉर्मूला डाल के कर लिए, किए ना ये वाला, तो यस मैम, सब प्रॉपर वे में आ गया। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर नाम स्मॉल में भरा हुआ, और यहाँ पे नाम, हमको नाम वाले जगह पे नाम होना चाहिए, एक शीट में दो जगह नाम थोड़ी होगा, ये नाम जो है ना ये यहाँ पर होना चाहिए, ये स्मॉल में नहीं, ये यहाँ पे होना चाहिए, कैसे होगा बताइए, कोई बताएगा क्या मैम करेंगे। जैसे फॉर्मूला परसेंटेज का लगाते हैं और जिस मतलब कॉलम का नेमिंग करके और उस जगह से मेरा निकलता है, तो उसी तरह से ट्रिम का फॉर्मूला लगा के और जहां पे हम नाम लिखे हैं वहां से कर्सर नीचे ड्रॉ करेंगे तो नहीं होगा। नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, आप यहाँ बोल रहे हैं, है ना, देखिए यस जो हम मैम, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं वहां पे क्या होता है कि दोनों कॉलम को लेके हमको उसका रिजल्ट हमको तीसरे कॉलम में दिखाते हैं, यस ये ना मैम, दिखा है, और यहाँ पर क्या है कि उसी टेक्स्ट को करना है, वो या मेरे A2 में जो लिखा हुआ है उसी को हमको ना क्या करना है, प्रॉपर केस में करना है। प्रॉपर केस का मतलब हो गया कि पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, तो प्रॉपर केस में करना है। तो हम लोग, अच्छा एक चीज होता है, आप लोग के दिमाग में ये चीज क्यों नहीं आ रहा है कि हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, हाँ कोई मैम नहीं बोल रहा, कॉपी पेस्ट तो आ रहा था पर हम सोच रहे इस तरह क्यों नहीं होगा। इस तरह से नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम अगर यही डाले, आप जो बोल रहे समझ में आ रहा है ना, चलिए ठीक है, इसको हम लोग यही यस डालें, चलिए ठीक है, देखते हैं आप जो बोल रहे हैं, प्रॉपर मैम, PROPER इक्वल टू लगेगा ना आगे, क्या करेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट डालेंगे, चलिए टेक्स्ट, ये तो एक के लिए होगा धनी, चलिए इंटर मारते हैं, नहीं वहाँ मैम ए टू नहीं देना पी आर था। ओ पी आर, इसको हम हटा देते हैं, 1 मिनट अगर हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, आप जब बोले हैं तो फिर क्या मतलब कर सकते फॉर्मूला हैं, बार में ही लिखिए प्रॉपर ए टू, धनी को मत लिखिए मैम। A2 लिखे हैं तो भी नहीं होगा, हाँ देखिए क्या हुआ, क्योंकि मैम, यस मैम नहीं होगा। उसको टेक्स्ट चाहिए, मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है वो चाहिए। यस मैम, क्या हाँ लिखा यहाँ है पे अगर हम धनी भी लिखते हैं, नहीं लिख, चलिए एक बार हम दिखा दें आप लोगों को प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम आती है, ये देखिए नहीं लिया ना, नो मैम, नहीं वो होगा, समझ ही कॉपी नहीं पा रहा पेस्ट है कि करना आपको करना क्या है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन कॉपी पेस्ट में भी प्रॉब्लम आएगी, चलिए देखते हैं, इसको हम लोग कॉपी, पहले इसको हटा दें, देखिए इसको हमने कॉपी किया, इसको हम लोग है। कॉपी यस करते हैं, मैम, हाँ इसको हम लोग यहाँ पेस्ट करते हैं, देखिए तब भी क्या प्रॉब्लम आएगी, चलिए ये देखिए क्या आ ओ गया, क्या क्यों हो आया रहा है, ऐसा, क्योंकि वो वहां से उसको हटाए नहीं पहले। क्यों आया, कोई और बताएगा, ओम प्रकाश बताइए तो क्यों आया ऐसा, ओम प्रकाश क्यों ऐसा हो गया, यस क्यों हुआ ऐसा, मतलब वो कॉपी क्यों नहीं हुआ, हमने कॉपी किया था, क्यों कॉपी नहीं हुआ, मैम, कौन सॉरी बताएगा, नहीं नहीं बता सकते। और कौन बताएगा, इतने इतने लोग हैं, इशिका बताइए क्यों कॉपी नहीं हुआ, कोई भी बताइए क्या, कैसे होगा, वहां पे क्या हुआ कि वो ना आके क्या आया था कि मतलब REF REF करके आ गया है, ये ना आया था REF,
आरएफ इसलिए आया कि क्या हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कॉपी करके वहां पेस्ट किया। तो कॉपी पेस्ट करने पे क्या हुआ है कि हमने लिखा था इक्वल टू प्रॉपर, ये लिखे थे ना इक्वल टू प्रॉपर और उसके बाद A2 मैम प्रेजेंटेशन हम लोग ये लिखे थे। रुक आ रहा है इसमें, इसलिए तो बोल रहे हैं कि जब तक तो नहीं आ रहा है तो फिर हम बात तो कर सकते। हमने लिखा था इक्वल टू प्रॉपर, ये लिखे थे ना फॉर्मूला के लिए, और A2 यही लिखे थे शायद याद यस मैम, होगा, नहीं याद है? हाँ, यस तो मैम, जब हम लोग ऐसा लिखे इक्वल टू प्रॉपर करके, देखिए हमने क्या लिखा था, एक बार रुकिए, हम एक बार फिर से अंडू करते हैं, आप लोग का ध्यान भी नहीं था पता नहीं। ये देखिए हमने जो लिखा था, हम जो प्रॉपर हम इसको क्या किए, इसको हमको कैपिटल, इसको सेंटेंस केस में करना था। हमने सेंटेंस केस में करने के लिए क्या लिखा, इक्वल टू प्रॉपर और A2 लिखे, A2 ये लिखे ना हम लोग A2। तो A2 जो लिखे तो यहाँ पर क्या हुआ कि A2 को किया, फिर यहाँ पर जब हम लोग उसको ड्रैग किए तो A3, फिर A4, A5, A6, इस तरह से जब हम लोग ड्रैग किए तो ये चेंज हो गया सेंटेंस केस में, यानी कि ये पहला लेटर कैपिटल हो गया बाकी स्मॉल हो गया। लेकिन अब हमको क्या करना है कि इस नेम को यहाँ पर पेस्ट करना है, यानी ये जो नेम है, क्योंकि हमको डेटा भेजेंगे तो एक शीट में दो जगह नाम नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा तो हमको यहाँ पर नाम डालना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको कॉपी किया, यही बोले ना, इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से ये चेंज हो गया, देखिए क्या लिख रहा है REF करके। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने जो फॉर्मूला लिखा था, हमने लिखा था इक्वल टू प्रॉपर और यहाँ पे लिखे थे हम लोग A2। A2 को हमने रेफरेंस बनाया था, A2 हमारा रेफरेंस था। तो रेफरेंस होने के कारण क्या हो गया, हमने लिखा था इक्वल टू A2, तो सॉरी प्रॉपर A2, तो A2 मेरा रेफरेंस था, A2 में जो भी टेक्स्ट हो। अब यहाँ A2 में तो हमने पेस्ट कर दिया इसको लाके, और ये ऑलरेडी जो ये मेरा है ये A2 पर काम कर रहा है। और A2 पे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को यहाँ पर जो वैल्यू था इसको पेस्ट किया, तो ये तो A2 पे डिपेंड है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं, समझ में आ यस रहा है? मैम, यस हाँ, मैम, बाकियों को ये जो A2 पे डिपेंड है वो A2 पे डिपेंड है, इसलिए यहाँ पर इसको A2 में कुछ नहीं मिला। हमने जो जैसे इसको पेस्ट किया ये A2 में इसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमने इसको इस वैल्यू को ही पेस्ट कर दिया और ये रेफरेंस ले रहा था A2 से। इसलिए ऐसे ये नहीं होगा, इसको हम लोग को पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जब हम लोग पेस्ट करते हैं ना एक्सेल में तो उसका सब कुछ पेस्ट होता है, यानी वो जैसे लिखा हुआ है, जैसे कि मान लिया कि ये मेरा लिखा हुआ है इस तरह से, आगे में गैप है, पीछे में गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है, और इसका ये पहला लेटर कैपिटल है। जब हम इसको पेस्ट करते हैं, किसी भी कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो वो सेम टू सेम पेस्ट होता है, यानी उसका एक एक चीज पेस्ट होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको हम लोग बताए भी थे पता नहीं भूल गए, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद इस पोजिशन पे क्लिक कीजिए जहां पे आपको पेस्ट करना है, वहां पेस्ट करने के बाद राइट क्लिक करके, हम लोग डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल। जब आप पेस्ट स्पेशल में जाएंगे ना तो पूछेगा क्या क्या पेस्ट करना है, ये देखिए क्या है, फॉर्मूला वैल्यू, ठीक है, कमेंट वैलिडेशन। तो हमको सिर्फ सारे को नहीं पेस्ट करना, हम लोग सिर्फ करेंगे वैल्यू, वैल्यू मतलब यहाँ का जो वैल्यू है वो पेस्ट हो। समझ में आ रहा है? ओके कीजिए। फिर ये यस देखिए आ गया हमने, अब देखिए यहाँ पे जो ये आया ना, ये फॉर्मूला नहीं आया है यहाँ पर, जो आया है ये देखिए, ये फॉर्मूला नहीं आया है यहाँ पे, ऑलरेडी है फॉर्मूला, प्रॉपर A2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आया है। आ रही है बात समझ में? लेकिन मैम, इसी चीज को हम A2 को रिफरेंस माने थे ना, हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, इक्वल टू प्रॉपर A2, हम A2 को रिफरेंस माने थे। अगर हम A2 को नहीं लेकर A2 में नहीं पेस्ट करके कहीं और पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, सिर्फ पेस्ट करेंगे, देखिए पेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है कि पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या ले रहा है, ये समझ के चल रहा है कि फॉर्मूला कॉपी हो रहा है ना, तो ये अगले वाले को रेफरेंस मान ले रहा है, अगले वाले को फिर यहाँ पे ले ले रहा है। इसीलिए इसको जब भी अगर हमको वैल्यू उसका पेस्ट वैल्यू करना को ले होगा, रहा हाँ इसको जब भी पेस्ट करना पड़ेगा आपको, कोई भी वैल्यू हो, जैसे मान लिया यही हम कैपिटल लिख लिए हैं, सारे को कैपिटल में कन्वर्ट किए हैं, हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया था इक्वल टू अपर, इसी को हमको पेस्ट करना हो तो हम इसको कॉपी करेंगे, और जब यहाँ पेस्ट करेंगे तो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके ओनली वैल्यू, ओनली वैल्यू, ये याद रखिएगा, ये एक मतलब अच्छी जानकारी है।
और फिर बाकी को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देंगे तो मेरे शीट में सिर्फ जो हमने चेंजेस किया है वो रहेगा और बाकी नहीं रहेगा। एक चीज बहुत अच्छी चीज है, एक चीज हम और बताते हैं, जरूरत पड़ती है उसकी भी। कि आपने से कुछ टाइप किए, ठीक है, और टाइप करने के बाद टाइप करने के बाद लगता है कि नहीं वहां पे ये होना चाहिए था। जैसे कि बता रहे हैं, हाँ चलिए, एक रिप्लेस एंड फाइंड। जैसे आपको, हमको देखना है ये पूरी शीट में, कभी कभी हमको चेक करना रहता है कि कभी जैसे क्या प्रॉब्लम आती है। हम लोग मतलब ज्यादा हम लोग डेटा एंट्री करते हैं ना, तो हम लोग को समझ में आता है प्रॉब्लम कहाँ आती है। जैसे प्रॉब्लम आती है, मान लिया कि हमने डेटा 50,000 स्टूडेंट, मान लिया 500 स्टूडेंट का डेटा है हमारे पास, और उस डेटा में देखना है कि किसी लड़के का नाम, किसी लड़के का नाम सेम है। जैसे आकाश कुमार किसी का नाम है, तो दो आकाश कुमार हैं, उसका नाम मिल रहा है एक जैसा। तो हम लोग को देखना है कि भाई आकाश कुमार कितने लोग हैं उस शीट में, कितने आकाश कुमार हैं, किसी को हम लोग को ढूंढ रहे हैं वो, या आकाश कुमार कुछ भी, हमको अपनी पूरी शीट में कुछ भी फाइंड करना है। तो उसके लिए होता है जैसे कंट्रोल एफ, ये देखिए, जैसे कंट्रोल एफ करेंगे ना फाइंड आएगा। आपको यहाँ पे लिखना है कि व्हाट फाइंड। जैसे हम मान लिया फाइंड करना चाहते हैं ओम प्रकाश, ओम प्रकाश मेरी शीट में कितना है, चलिए लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ओम प्रकाश, ठीक है। अब इसको फाइंड ऑल कीजिए। अगर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, बताते दोनों में क्या है। फाइंड ऑल, ये देखिए यहाँ पे एक ही ओम प्रकाश है, इसलिए यहाँ दिख रहा है कि बुक वन शीट वन ए सिक्स में ओम प्रकाश है, ठीक है। अगर हम ओम प्रकाश के बदले धनी DHEMI इसको करते हैं फाइंड ऑल, ये देखिए जहां जहां धनी है वहां वहां दिखाएगा कि कहाँ कहाँ धनी है। A11 में है, A12 में है, A13 में है, A14 में है, A15 में है, इस तरह से दिख रहा है। अगर हम फाइंड नेक्स्ट करते, वन बाय वन दिखाता, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ से मेरा चेंज होता जाएगा कहाँ कहाँ है। नेक्स्ट कर रहे हैं उस पे, चला उस पे कर्सर चला जा रहा है, दिख रहा है यस सबको, मैम, सबको ना। तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे, कंट्रोल एफ, ये फाइंड ऑप्शन है, कंट्रोल एफ फाइंड ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, पूछेगा कि फाइंड व्हाट। आप इसको जो भी ढूंढना चाहते हैं अपनी पूरी शीट में, मेरे शीट में अगर हजारों डेटा है और हम उसमें से कुछ भी फाइंड करना चाहें, तो हमको यहाँ पे लिखने, यहाँ पे हम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद अगर हम देखना चाहते हैं कि टोटल कितना है, तो फाइंड ऑल कर देंगे, नहीं तो वन बाय वन जाना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट करके जाएंगे, तो ये हमको वन बाय वन उस पे पहुंचा देगा। एक चीज और होता है रिप्लेस, फाइंड के साथ ही आता है। अगर हम चाहते हैं कि जितना भी धनी हो, ठीक है, धनी को रिप्लेस कर दे रुद्र के साथ, RUDRA, ठीक है, फाइंड व्हाट, रिप्लेस विथ। अब देखिए रिप्लेस में रिप्लेस ऑल जैसे करेंगे सब कर देगा, और रिप्लेस करेंगे तो वन बाय वन करेगा। ये देखिए दिख रहा है, यहाँ पे मेरा कर्सर था, वन बाय वन कर रहा है रिप्लेस। ये देखिए हम यहीं पे छोड़ देंगे, यहीं पे छूट जाएगा। अगर रिप्लेस ऑल कर दें तो देखिए जितना भी था, यहाँ लिख रहा है कि एक्सेल हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च एंड हैज मेड 7 रिप्लेसमेंट। आई बात समझ में यस मैम, सबको? याद रहेगा ये दो चीज, ये यस दोनों मैम, चीज अच्छी चीजें हैं। क्या क्या था, एक फाइंड और एक रिप्लेस। रिप्लेस का काम है जैसे हम किसी को रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे कंट्रोल एच, वैसे वो डायरेक्ट रिप्लेस खोलना है तो कंट्रोल एच, और फाइंड के लिए कंट्रोल एफ। जैसे मान लिया हमने, हमको यहाँ पे 1001 जिसका भी आईडी है, 1001 को रिप्लेस करना है 101 से। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग ज्यादा जीरो डाल दिए, अब उतना टाइप करेंगे क्या, इस तरह से कर देंगे ना रिप्लेस ऑल। ये देख लीजिए, देखिए जितना भी 1000, मतलब कि 1001 था वो 101 से रिप्लेस हो गया। आया समझ में यस मैम, सबको? ओम यस मैम, प्रकाश, यस मैम, ऋषिका, दिखा, ये दो तीन ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि फाइंड रिप्लेस। ये एक्सेल में अक्सर, मतलब कि आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी।
और ये कैपिटल करना, स्मॉल करना, प्रॉपर करना, ये सब भी जरूरत पड़ता है। मान लिया कि डेटा एंट्री कर दिए, कोई आके बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, कैपिटल में चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग को फिर पूरा डेटा कौन बैठ के चेंज करता रहेगा, दोबारा टाइप करेगा, तो ये फॉर्मूला डालेगा आराम से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यस मैम। हाँ, तो ये चीजें याद रखिएगा।